हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का पैरा चैनल एमबीटन पर स्वागत है। आज आपको बताने जा रहे हैं हम मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वीवीआई टाइप का क्वेश्चन है ये सब। देखिए, पूछा गया है ये सब क्वेश्चन, तो आज आपको बताने जा रहे हैं। तो ये सारा क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करेंगे अभी। हम ऐसा नहीं कि टिक मार के आपको बता देंगे हम ये होगा, ऐसा नहीं है। आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और यदि अच्छा लगे तो फिर लाइक करके और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन कहता है क्या, कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा। देखिए 2018 में पूछा गया दोस्तों ये क्वेश्चन, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। ये कहता है इसमें आंसर क्या होगा, a 2 कॉस इनवर्स x या कॉस इनवर्स रूट x या 2 कॉस इनवर्स रूट x या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो क्या है, देखिए यहाँ कॉस इनवर्स है क्या, कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 दोस्तों ये है। ये इतना इजकल टू दिया गया, वाट दिया गया दोस्तों, बहुत ही इजी है। हम सॉल्व करते हैं इसको, देखिए कैसे सॉल्व होगा। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसको लेट कर लेंगे, यहाँ थीटा लेट कर लीजिए, ठीक है, लेट कर लिए थीटा। ये कॉस इनवर्स उधर जाएगा दोस्तों, इनवर्स ये क्या हो जाता है, हट जाता दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये इनवर्स हट जाएगा और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ये माइनस वन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा दोस्तों, वन प्लस क्या हो गया, कॉस थीटा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दो क्या है, इंटू में है, या यहाँ देख लीजिए जरा सा, वन प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है दोस्तों, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू होता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों डायरेक्ट क्या, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू होता है दोस्तों फॉर्मूला, यहाँ पर लिख दिए साइड में। ये टू टू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो एक्स इजकल टू क्या बचा, एक्स इजकल टू बच गया दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू बच गया। और हमको निकालना दोस्तों इसका वैल्यू निकालना, मतलब इसका मतलब इसी को हम माने हैं क्या, थीटा लेट किए, ठीक है ना। मतलब थीटा निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा आपका, थीटा हमको निकालना है दोस्तों। क्या हो गया, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ स्क्वायर, ये दोस्तों ये स्क्वायर इधर आ जाएगा ना तो पकड़ लेता है, रूट पकड़ लेगा, ठीक है ना दोस्तों, क्या पकड़ लेगा, रूट। तो ये स्क्वायर इधर आ गया तो क्या पकड़ लिया, रूट। हमेशा याद रखिए, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर मान लीजिए कुछ दे दिए, यहाँ दो दे दिए, तो उधर स्क्वायर उधर जाता है, पकड़ लेता है क्या, ये रूट हो जाता है। ये स्क्वायर इधर आया तो क्या पकड़ लिया, रूट पकड़ लिया दोस्तों। यहाँ पर क्या हो गया, कॉस थीटा बाय टू। अब ये कॉस इधर आएगा दोस्तों, तो कॉस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा थीटा बाय टू हो जाएगा। ये कॉस इधर आएगा ना, इसमें कुछ पावर में नहीं है तो इधर आता है माइनस वन हो जाता है एक्स पावर में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, और टू क्या है, इंटू में इधर आएगा, सॉरी बाय में इधर आएगा तो इंटू में हो जाएगा, टू कॉस इनवर्स रूट एक्स, कोना कोनी गुना हो गया दोस्तों, बराबर क्या आया थीटा। देखिए दोस्तों क्या है, इसी को हम लोग थीटा माने थे, इसको हम लोग क्या माने थे, थीटा माने थे। थीटा का मान क्या निकला, थीटा का मान निकला टू कॉस इनवर्स रूट एक्स निकला दोस्तों। मतलब क्या, थीटा निकल गया तो ये निकल गया, तो क्या निकला, टू कॉस इनवर्स रूट एक्स निकला दोस्तों। देखिए इसमें क्या है, टू कॉस इनवर्स रूट एक्स है, इसका मतलब आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है यदि एक ए एक वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ए प्लस ए डैश एक डैश होगा। तो दोस्तों समझ लीजिए, ए प्लस ए डैश रहेगा ना, प्लस में रहेगा तो वो होता है सममित होता है, ठीक है ना दोस्तों, क्या होगा, सममित होगा, ठीक है। और यदि माइनस में होता है दोस्तों ये, तो ये होता है विषम सममित होता, ठीक है, विषम सममित होता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका डायरेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री नंबर कहता है क्वेश्चन, टू कॉट इनवर्स थ्री प्लस कॉट इनवर्स सेवन इजकल टू वाट दोस्तों। यहाँ पर 2018 में पूछा गया दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप जान लीजिए क्या, कॉट इनवर्स थीटा इजकल टू होता है दोस्तों टेन इनवर्स वन बाई थीटा होता है, ठीक है ना। इसका उल्टा, कॉट का उल्टा हो गया टेन, थीटा का उल्टा दे तो वन बाई थीटा हो जाता है। उसी प्रकार दोस्तों कॉट को हम उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, टेन। तो टेन हो गया यहाँ पर, सबसे पहले सबको टेन में हम चेंज कर लेंगे दोस्तों, तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे तो वन बाई थीटा, तो वन बाई थीटा अब क्या होगा, ये थ्री को उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, वन बाई थ्री हो जाएगा दोस्तों। कॉट इनवर्स सेवन, तो कॉट को उल्टेंगे तो क्या हो गया दोस्तों, टेन हो जाएगा। टेन इनवर्स सेवन को उल्टेंगे क्या हो जाएगा, वन बाय सेवन। अब दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे देखिए बताते हैं। टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है दोस्तों कि टेन इनवर्स टू एक्स बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर दोस्तों। एक और होता है फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसका होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, टू टेन इनवर्स एक्स का होता है फॉर्मूला टू टू,
टेन इनवर्स यहाँ एक्स है बराबर क्या 1/3 है दोस्तों। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर देखते हैं, यहाँ फॉर्मूला क्या होता है टेन इनवर्स, तो लगाइए टेन इनवर्स यहाँ 2x, यहाँ x था इसलिए यहाँ x आया, यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर क्या हो 1/3 हो जाएगा, 2x जगह पर हो जाएगा क्या 1/3, अब 1 माइनस x स्क्वायर, एक्स जगह पर क्या हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर दोस्तों, अब प्लस टेन इनवर्स इसको ऐसे उतार देते हैं दोस्तों। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर टेन इनवर्स 2/3, ये हो जाएगा 3 × 9, ये हो गया 9 हो गया दोस्तों, अब प्लस टेन इनवर्स 1/7, अब क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर टेन इनवर्स ये 2/3, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 9 और 9 - 1 प्लस दोस्तों टेन इनवर्स 1/7 हो जाएगा यहाँ पर, अब इसका क्या हो जाएगा 3 × 9 ठीक है, तो क्या हो जाएगा अब टेन इनवर्स ये हो जाएगा क्या 2 3 ऊपर चला जाएगा, 3 × 9 = 6 हो जाएगा, 9 में से गया तो 8 हो जाएगा दोस्तों, और टेन इनवर्स 1/7 हो गया, 3 × 9 = 6 और 4 × 2 = 8, तो क्या आया दोस्तों 3/4 आ गया यहाँ पर, प्लस टेन इनवर्स 1/7 आ गया दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे फार्मूला लगा देंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देंगे दोस्तों, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 - xy होता है, ये आपका दोस्तों x हो गया, ये आपका y हो गया, बस फार्मूला लगा देते हैं आप, तो फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों ये हो गया x, x जगह पर हो जाएगा 3/4 प्लस 1/ ये हो जाएगा 7, और ये 1 - xy, तो 1 - xy, तो x हो गया 3/4, y हो गया 1/7 दोस्तों। अब इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर देखते हैं आप, टेन इनवर्स इसका एलसीएम कर लेते हैं, 7 × 28 हो जाएगा दोस्तों, ये 4 × 7 = 28, तो 7 × 21 हो जाएगा, 7 × 28 ये 4 हो जाएगा दोस्तों, फिर हो जाएगा ये 28 को 1 से करेंगे तो 28 - 3 = 3 हो गया दोस्तों, ये कट गया तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ये 25 28 में से 3 गया तो 25 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, टेन इनवर्स ये 1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या हो गया यहाँ पर टेन 1, तो देखिए टेन 45 का वैल्यू होता है 1 होता है, 45 को हम लोग लिखते हैं क्या रेडियन में लिखते हैं 5/4 लिखते हैं दोस्तों, तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं टेन 45 लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं टेन 45 45 को लिख सकते हैं 5/4, ये माइनस प्लस कट जाएगा क्या आएगा 5/4 हो जाएगा आंसर दोस्तों, इसका आंसर हो गया आपका दोस्तों क्या 5/4, मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या यहाँ देखिए यहाँ पर दिया हुआ 3 का बी नंबर हो जाएगा आंसर दोस्तों, इसका बी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर दोस्तों, देखेंगे क्वेश्चन 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4, तो सबसे पहले आप जान लीजिए दोस्तों क्या होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स रहता है, इसका वैल्यू होता है 5/2 होता है दोस्तों, तो आप जान लीजिए ये थीटा समान होता है तो होता है 5/2 होता है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ कॉस इनवर्स 1 - 1/2 दिया हुआ है और साइन इनवर्स 1/2, मतलब थीटा क्या दोनों का समान है, तो कॉस इनवर्स 1/2 और प्लस साइन इनवर्स 1/2, तो 1/2 दोनों में समान है, इसका वैल्यू हो जाएगा 5/2 हो जाएगा दोस्तों। और टेन 45, अब यहाँ पर क्या आता है सोल्यूशन करेंगे टेन ये 1 को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों क्या टेन 45 लिख सकते हैं, टेन 45 का मान होता है 1 होता है, और ये दोनों के बराबर क्या लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं 5/2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स टेन 45 को हम लोग लिख सकते हैं 5/4 लिख सकते हैं दोस्तों, प्लस 5/2, देखिए ये माइनस प्लस कट जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 5/4 और प्लस 5/2। अब इस प्रकार से हम क्या करते हैं इसको एलसीएम कर लेंगे, 4 × 2 का तो 4 हो जाएगा, 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा पाई दोस्तों, ये हो जाएगा 4 कट 2 × 2 = 4, यहाँ हो जाएगा क्या दोस्तों 2π हो जाएगा, 2π प्लस 1π 3π बाय क्या होगा दोस्तों 4 हो जाएगा, इसका आंसर यही हो गया 3π/4 दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 5 देखते हैं हम दोस्तों, क्वेश्चन 5 नंबर ये दिया गया है 3 sec inverse 1/x - sin inverse इतना दिया गया, तो कहता है इसमें कौन होगा, 2018 में पूछा गया था दोस्तों ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या 3 sec inverse 1/x, देखिए दोस्तों क्या होता है sec inverse 1/x का होता है cos inverse x होता है, sec का उल्टा cos होता है दोस्तों, 1/x का उल्टा होता है x होता है ठीक है दोस्तों, और sin inverse x का sin inverse 4x³ - 3x का फॉर्मूला होता है दोस्तों -3 sin inverse x होता है दोस्तों -3 sin inverse x, तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 3 इसको sec inverse 1/x को हम लोग लिख सकते हैं cos inverse x लिख सकते हैं cos inverse x, इसको लिख सकते हैं दोस्तों क्या -3 sin inverse x लिख सकते हैं दोस्तों, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं बाहर
ये कॉस इनवर्स एक्स अब प्लस हो जाएगा क्या दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा दोस्तों। अभी तुरंत बताए थे दोस्तों क्या चार नंबर क्वेश्चन में, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाई टू होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा पाई बाई टू हो जाएगा, मतलब थ्री पाई बाई टू होगा इसका आंसर दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों थ्री पाई बाई टू, मतलब सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों, सिक्स नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है दोस्तों कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू है, तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, कॉस इनवर्स जब भी माइनस थीटा रहेगा तो इसका दोस्तों फॉर्मूला था पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है दोस्तों वन बाई टू होता है, 60 डिग्री को यदि हम रेडियन में लिखेंगे दोस्तों तो पाई बाई थ्री होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें माइनस दिया हुआ दोस्तों, इसका फॉर्मूला लगाएंगे क्या, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, थीटा के जगह पर यहाँ पर क्या वन बाई टू है दोस्तों, वन बाई टू लिख दिए, यहाँ पाई हो गया दोस्तों। कॉस इनवर्स वन बाई टू को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस 60 लिख सकते हैं, और कॉस 60 डिग्री क्या लिख सकते हैं, पाई बाय थ्री, पाई बाय थ्री लिख देते डायरेक्ट, ये पाई माइनस ये माइनस प्लस कट गया तो पाई बाय थ्री हो जाएगा दोस्तों। इसका एलसीएम करेंगे थ्री हो जाएगा, थ्री को पाई से करेंगे दोस्तों थ्री पाई हो जाएगा, माइनस थ्री थ्री कट जाएगा क्या हो जाएगा पाई, थ्री पाई में से पाई घट जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों टू पाई बाय थ्री, इसका आंसर हो जाएगा टू पाई बाय थ्री हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों टू पाई बाय थ्री, मतलब ए नंबर हो जाएगा आंसर आपका दोस्तों। अब देखते हैं सात नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, टेन इनवर्स फोर रूट एक्स टू माइनस टू एक्स, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो दिया हुआ है ऑप्शन में दिया गया है, चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों। दोस्तों सात नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है आपको इस प्रकार, सात नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि टेन इनवर्स फोर रूट एक्स बाई टू माइनस टू एक्स का क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले आप जान लेते हैं दोस्तों क्या होता है, टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है दोस्तों, टेन इनवर्स टू एक्स बाय वन माइनस, दोस्तों ये फॉर्मूला होता है। और हम यहाँ पर देखेंगे क्या कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आ रहा है फोर रूट एक्स है, ठीक है ना, यहाँ पर हम दो दो कॉमन ले सकते हैं दोस्तों, दो कॉमन ले यहाँ बचेगा वन माइनस एक्स बचेगा, ये दो दोनी चार हो जाएगा आपका। तो टेन इनवर्स ये ऊपर आया टू रूट एक्स वन माइनस एक्स, एक्स को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर देखिए रूट एक्स, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स होता है, ये कट जाएगा एक्स ही होता है, ठीक है ना, हम एक्स को लिख दिए रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख दिए दोस्तों। अब फॉर्मूला पर आ गया, ये देखिए टेन इनवर्स मिल रहा है, यहाँ टू टू मिल रहा है, एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या रूट एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर क्या रूट एक्स स्क्वायर है दोस्तों। देखिए यहाँ एक्स था तो यहाँ भी एक्स आया लेकिन यहाँ पर क्या रूट एक्स है ना दोस्तों, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको टेन इनवर्स टू टेन इनवर्स, यहाँ पर एक्स तो यहाँ एक्स दिए लेकिन यहाँ पर क्या है रूट एक्स, तो टू टेन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाएगा टू टेन इनवर्स रूट एक्स, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बता रहे हैं टू टेन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठ देखते हैं दोस्तों, बहुत ईजी आठ नंबर क्वेश्चन, आठ नंबर क्वेश्चन दिया, यदि थीटा प्लस फाइव बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा साइन फाइव कॉस फाइव बराबर व्हाट, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए वन जीरो माइनस वन और इन्फिनिटी, इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया है, कौन सा आंसर इसमें होगा, तो हम देखते हैं पहले बना के इसको दोस्तों। आठ नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, यह हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव हो जाएगा, फिर देखिए यहाँ पर कोना कोनी गुना करेंगे दोस्तों, ये माइनस हो जाएगा दोस्तों और ये हो जाएगा साइन फाइ इंटू साइन थीटा हो जाएगा दोस्तों। देखिए एक फार्मूला को बता दिए, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बराबर होता है कॉस ए प्लस बी होता है दोस्तों, यहाँ पर एक जगह पर थीटा हो गया, बी की जगह पर फाइ हो गया, ठीक है दोस्तों, इसको लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी, ए मतलब क्या थीटा, बी मतलब हो गया आपका यहाँ पर फाइ हो गया दोस्तों। यहाँ हमको वैल्यू दिया गया है थीटा प्लस फाइ का वैल्यू दिया गया दोस्तों, यहाँ पर क्या थीटा प्लस फाइ का वैल्यू दिया गया दोस्तों, थीटा प्लस फाइव का वैल्यू दिया गया 90 डिग्री दिया गया है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या, यहाँ थीटा प्लस फाइव का वैल्यू रखेंगे 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू दोस्तों होता है क्या जीरो होता है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जीरो, मतलब बी हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग नौ नंबर देखते हैं क्वेश्चन, नौ नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है क्वेश्चन दोस्तों, नौ नंबर क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं हम लोग, नौ नंबर क्वेश्चन कहता है डी लॉग एक्स बाई डी एक्स का क्या होगा, देखिए दोस्तों डी लॉग एक्स का एक्स बाई डी एक्स, लॉग एक्स का डिफिनेशन होता है दोस्तों वन बाई एक्स होता है, क्या होता है वन बाय एक्स होता है दोस्तों, तो डी लॉग एक्स बाई डी एक्स का होता है वन बाय एक्स,
तो इस प्रकार से हो गया दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका नौ का हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अब 10 नंबर कहता है साइन इनवर्स 1 बाय रूट टू का, रूट टू का कौन सा होगा, देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा 10 नंबर, अब देखते हैं 10 नंबर में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 बाय रूट टू, देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1 बाय रूट टू, तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले जान लीजिए क्या 1 बाय रूट टू, साइन 45 का वैल्यू होता है, साइन 45 का वैल्यू होता है 1 बाय रूट टू होता है, आप 45 को लिख सकते हैं पाई बाय 4 लिख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं क्या साइन 45, 45 को लिख सकते हैं पाई बाय 4, ये माइनस प्लस कर जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों पाई बाय 4, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपको भी हम बताए हैं क्वेश्चन, आपको एक एक क्वेश्चन हल कर दिए हैं, तो आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमसे, आपको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इस प्रकार से आपको एग्जाम तक आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे, डेली अपलोड करते हम आपको डेली अपलोड करते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप मेरे चैनल में बने रहिए लगातार, और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कर दिए, और बताइए कि ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, आप इस चैनल से जुड़ जाइए, तो आप फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।